10 साल लगने चाहिए। मैं तो ये सीख रही हूँ जब तुम ब्रांडिंग भी करते हो, मतलब ये देखे ना। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम गुजरांवाला में मौजूद हैं और गुजरांवाला के मेरे बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन भाई, अब तकरीबन 5-6 लोग हैं और इनका हल्का सा तारुफ करवा देता हूँ। फोक पाकिस्तान से यासिर मिर्ज़ा साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त इंसान, साथ रेहान सईद साहब मेरे क्लासमेट और हमारे बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि हमारी चेयर बिल्कुल साथ साथ होती थी। ये हमारे भाई गुजरांवाला से हैं और साथ डॉक्टर साहब हैं, ये भी गुजरांवाला से हैं। अब जो लास्ट पर दो शख्सियात हैं, लास्ट पर अमूमन विनर्स को रखा जाता है, ये बड़ी कमाल की शख्सियात हैं। आपको बताएं कि हमें तो बिल्कुल बोलना नहीं आता, हम इनके सामने गूंगे हैं, बिल्कुल गूंगे हैं। यकीन करें कि अल्फाज की अदायगी, ये बिल्कुल रियलिटी है, अल्फाज की अदायगी हो या अल्फाज का चुनाव हो और मौके की मुनासबत से बात करनी हो, अल्फाज इस्तेमाल करने हों, तो हसन गुल फाम और डार साहब से हमने सीखे हैं। और उस वक्त यूनिवर्सिटी के दिन आज भी डार साहब हमें याद है, हैदरमाम डार साहब। हाँ, हमारा अक्सर चलता था, हम काफ़ी हैं हम लोग, हसन गुल फाम और हैदर इमाम जी। हाँ सर, स्टेजेस हमने इकट्ठे शेयर किए। अच्छा, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब पहले आप बताएं इनके बारे में, फिर आप सर इनके बारे में बताएं, ताकि दोनों अपने बारे में, हम दोनों अपने बारे में नहीं बताएंगे। मैं बस ये बताऊंगा, मैं मतलब हसन भाई तो जमीन के सीने पे जो नाम पहले हसन भाई ने गुजरांवाला शहर, हमने हसन भाई की आंखों से देखा है। और जब हसन भाई की आंखों से आप गुजरांवाला शहर देखते हैं तो उसमें नान भी आते हैं, कुलचे भी आते हैं, चने भी आते हैं, हरीसा भी आता है, पाए भी आते हैं, हरी भी आती है। और जो पापा जो उनका पिज्जा तो बड़ी बाद में आया, तो हसन भाई के साथ हमारा जो है ना बड़ा वो है। इवन मतलब मेरे और हसन भाई के दरमियान तो इतना गर्लफ्रेंड भी सानी थी, तो वो बात में जो है ना मैं ले गया क्योंकि हसन भाई ज़्यादा शरीफ थे। तो बाकी मैं ज़ुहैब साहब आपके लिए जो है ना, मैं रिकॉर्ड के लिए बताना चाहता हूँ, मैं 100 किलोमीटर का सफ़र करके आया हूँ आपकी ज़्यादा नवाजिश नहीं। अब ये जो सारी नेकियाँ हैं ना, आप 1800 किलोमीटर का सफ़र करके आएंगे, नेकियाँ आपने सारी 1800 किलोमीटर वाली मुझे दे दी। 100 किलोमीटर के बाद ये बुनियादी तौर पे आज की जो महफिल थी और कोशिश थी, ये थी भी ज़ुहैब भाई के एजाज़ में। और मतलब वो हमने ऐसे ही 5-6 बजे प्लान किया और कार्बन पड़ता गया। माशाल्लाह इधर इमाम साहब आ गए, ज़ुहैब साहब के साथ हमारा पुराना यूनिवर्सिटी की बातें अगर सामने आएं तो व्लॉग काफी लंबा हो जाएगा। नहीं, राज नहीं खोलने हमने, मतलब आप खाने की आड़ में हमसे राज ना फरमाएं, आपकी डिजिटल ऑडियंस है हमें पता है। और पता है मुझे, आपको मैसेज करते हैं लोग इंस्टाग्राम साहब, आप शुरू करें। हाँ जी, आप चिकन, ये बाकी आपने तालियां बजानी है हमारे कैमरामैन के लिए, बड़ी मेहनत की है उसने।